कैंपस। गाइस हम लोग IIT पटना के जो कैंपस को विजिट करने आए हैं आपके लिए, ताकि आप मोटिवेट हो सके और IIT पटना में आप एडमिशन के लिए जोरदार मेहनत करें 2023 में, ताकि आपका एडमिशन IIT पटना में हो सके। हम लोग पूरा इंटरनली कैंपस आपको दिखाएंगे, ताकि आप एनालिसिस कर सको कि दूसरे कॉलेजेस से Tier 1 के कॉलेजेस कितने अच्छे होते हैं, क्या है इसके अंदर में होते हैं, इनक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, रिसर्च सेंटर क्या होता है, ये सारे चीज़ें आपको IIT पटना के कैंपस में ज़रूर मिलेगा। आप हिंदी में देख सकते हो, वहाँ लिखा हुआ है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, मतलब IIT पटना। और यहाँ पे देख सकते हो जो एकदम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, बहुत अच्छा कैंपस बना हुआ है। आप ये देख सकते हो IIT पटना का मेन एंट्री गेट है, जिसपे हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं और पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैंपस के अंदर क्या है। ये है IIT पटना का क्वालिटी, जो मेन रोड, जो बिहटा पटना मेन रोड है, उसी पर ये एस्टेब्लिश 500 एकड़ का बहुत ग्रीन हरा भरा कैंपस है। और कैंपस के बाहर भी आप जब देखोगे थोड़ा सा, तो चाय सुट्टा बार, जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो, वो भी आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। और IIT पटना हर मामले में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, नया कैंपस होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये होगा IIT पटना आपके सामने दिख रहा है, कितना प्यारा सा कैंपस है। और एंट्री गेट आपके सामने IIT पटना का ये रहा। हम लोग IIT पटना का पूरा रिव्यू करेंगे और आपको पूरा मोटिवेट करेंगे कि इस IIT पटना में आपका कैसा एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। पटना के मेन एंट्री से हम लोग अब अंदर चलेंगे और पूरा डिटेल में दिखाएंगे आपको कि अंदर में क्या क्या बड़े से चीज़ें अवेलेबल है IIT पटना में आपके लिए। हेलो गाइस, हम लोग अभी आए हैं IIT पटना का कैंपस टूर करने, जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि IIT पटना का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और क्लासेस कहाँ होते हैं, इसके लैब्स कैसे हैं, और आपको लाइब्रेरी सारे डिटेल्स आपको कवर करेंगे। क्या इसके अंदर में कितना बड़ा कैंपस है, IIT पटना 500 एकड़ का कैंपस है, जो 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये बहुत बड़ा कैंपस है और आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाओगे कि इसमें एडमिशन लेने का क्या करना होगा। ये जो आपके सामने बिल्डिंग दिख रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। जैसे ही आप मेन कैंपस से एंट्री करोगे, आपके सामने दिख जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिसमें सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे यहीं पे रहते हैं और सारे वर्क करते हैं। जो आपके सामने ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है, जिसमें सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर फाइनल ईयर तक स्टूडेंट स्टडी करते हैं। आपके सामने जो लेफ्ट साइड नेस्कैफे, बहुत ही सस्ता आपके लिए नेस्कैफे यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, कॉफ़ी आपके लिए, हर तरह के जो ब्रेकफास्ट लंच हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। आपके सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नए नए बिल्डिंग आगे बन रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो साइकिल्स दिख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, जो ये साइकिल दिख रहा है लगातार, ये सारे स्टूडेंट कैंपस के अंदर ही चलाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए साइकिल की। तो ये मज़ेदार बात है, आपके एक्सरसाइज भी हो जाएंगे धीरे धीरे। आपके सामने जो ये बिल्डिंग देख रहा है, खूबसूरत सा बिल्डिंग, ये है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हाँ, वैसे स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं, जिसमें कुछ और केमिकल डिपार्टमेंट भी इसी कैंपस, इसी बिल्डिंग में स्टडी कराया जाता है। इस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो नए नए फ्लावर्स है वो लगाए गए हैं, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और अच्छे से स्टडी भी करते हैं। We'll be right back.
ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंग अभी नया कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, जिसमें नए नए हॉस्टल्स बन रहे हैं। आपके सामने लेफ्ट में भी ये जो दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग अभी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिल्डिंग बन रहे हैं। लेकिन आप जब आओगे, जो 23 में स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेंगे, उनके लिए सब रेडी हो जाएगा। तो आपको ज़रूर आना है, और इसमें स्टडी करने के लिए अपने आप को बहुत मेहनत करना है, तब जाके इस IIT पटना में आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। जब कैंपस में आप IIT के आओगे, तो इस तरह के लीलगाए, हाँ बिहार में लीलगाएँ भी होते हैं, जो घूमते फिरते मिलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है कि ये लोग भी रह जाते हैं इसी कैंपस में। अभी कैंपस बन रहा है, लेकिन इस कैंपस के अंदर लीलगाय जैसा, और ये जंगल देख रहे हो, जंगल इसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी कुछ जंगल बच जाते हैं, क्योंकि 500 एकड़ बहुत बड़ा कैंपस होता है। देखिए, ये बहुत सुंदर सा गेस्ट हाउस बना हुआ है, जो स्टूडेंट्स के गार्जियंस आएंगे कैंपस में एडमिशन के लिए, अगर एक दो दिन स्टे करेंगे, या बाहर से जो प्रोफेसर्स आते हैं, गेस्ट लेक्चर्स आते हैं, ये गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं, और इनके लिए बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ये मॉडर्न तरीके से बनाया गया है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हरा भरा पूरा कैंपस है, ये हरा भरा ज़रूरी है, स्वच्छ वातावरण मिलेगा आपको, और खाने पीने का भी सुविधा यहाँ पे है बहुत अच्छा, आप आराम से जो पसंद का खाना है वो खा सकते हैं, और इन्वायरमेंट बहुत साफ़ सुथरा है, क्योंकि गंगा नदी के जस्ट बगल में ही है, तो स्वच्छ वातावरण आपको कैंपस में मिलेगा, और ये सब जो पॉल्यूशन वगैरह होता है उसका टेंशन नहीं है इस कैंपस में। IIT पटना इसीलिए डिमांड में अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी जब मैं कैंपस में विजिट कर रहा था, सारे कैंपस को टूर कर रहा था, तो मेरे साथ एक स्टूडेंट आए हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। प्रशांत, आप कौन से ईयर से हैं? मैं सेकंड ईयर से हूँ। आप ब्रांच कौन से हैं? केमिकल डिपार्टमेंट। आप जरा IIT के बारे में बताइए कि आपने जो फील किया जो इतने सालों में, वो आप जरा थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। यहाँ पे आने का फीलिंग एक अलग ही होता है, मतलब कि आप एक टफ एग्जाम क्रैक करके इधर आते हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप आगे अच्छी चीजें अचीव कर सकते हो। अच्छा, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की बताइए कि कैसा है यहाँ का? यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत सारे हैं, जैसे कि ड्रामा क्लब है, यावनी का स्पोर्ट्स ग्राउंड है बहुत सारे, क्रिकेट के, फुटबॉल के, हॉकी के, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उधर जाके खेल सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं नई नई चीज़ें। राइट, मतलब सारे फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है। आप हॉस्टल कितने हैं, बॉयज़ हॉस्टल जरा बता दीजिए? बॉयज़ हॉस्टल पहले दो थे, अभी तीसरा बन चुका है नया हॉस्टल, तो एक TV रमन है, एक कलाम हॉस्टल है, और एक आर्यभट्टा हॉस्टल नया बना है। ओके, तो जो नया वाला है उसमें किन सीनियर या जूनियर किनको मिलेंगे? अभी जो नया वाला हॉस्टल बना है उसमें अभी जूनियर्स आए हैं, फर्स्ट ईयर वाले हैं। अच्छा, जूनियर्स। अगर 2023 में आप एडमिशन लोगे तो यहाँ ऑप्शन बन सकता है नए हॉस्टल में, और सिंगल ऑक्यूपेंसी भी मिल सकते हैं आपको। और थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में बताइए कि कैसा फ्रेश फील हो रहा है? फ्रेश फील तो जैसे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, ये IIT पटना का फूड कोर्ट है, जिसमें आप सारे स्नैक्स, कॉफ़ी सारे ले सकते हो, पी सकते हो, और एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक वे से बना हुआ है, और नया जो क्रिएशन एक्टिविटीज़ होते हैं उसके आगे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैनरा बैंक भी यहाँ पे कैंपस के अंदर ही है, और पोस्ट ऑफिस, जो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कोई पार्सल सेंड करना हो तो इस कैंपस के अंदर ही पोस्ट ऑफिस भी अवेलेबल है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, इस तरह से आओगे तो आपके सामने ये फूड कोर्ट सारा दिखेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग कंज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पे IIT स्नैक्स पॉइंट आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, और यहाँ पे आर्या सर्विसेज फूड कोर्ट है यहाँ पे, जो अच्छा सा फूड कोर्ट बना हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स लोग ऑर्डर करते हैं। अभी थोड़े कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ठंडा का मौसम चल रहा है, अभी क्लासेस भी रनिंग है, चल रहे हैं क्लासेस, इसके कारण से कम स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। और आपके सामने बैंक भी दिख रहा है, कैनरा बैंक अवेलेबल है यहाँ पे, आपके जो भी डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ये सब कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, तो अच्छा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आपके सामने सारा देख सकते हैं।